हेलो फ्रेंड्स, मैं एक मोबाइल लेके आया हूँ। इस मोबाइल में लाइट फॉल्ट है, यानी लाइट फॉल्ट। इसमें बैक लाइट जो होता है, इसमें जो एलसीडी का लाइट होता है वो नहीं जल रहा है। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि आपका मोबाइल तो ऑन होगा बट उसमें लाइट नहीं आएगा। देखिए, इसमें ऑन तो हो रहा है मोबाइल बट इसमें लाइट नहीं आ रहा है, जबकि मैंने नया एलसीडी लगाया है। फिर भी नया एलसीडी डालने के बाद भी लाइट नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर नोकिया या किसी भी मोबाइल में लाइट नहीं आए तो आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसमें नोकिया C101 में लाइट का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखिए, इस यहाँ से देखिए, दो नंबर पॉइंट जो है दाएँ तरफ से, दो नंबर, एक दो, ये दो नंबर से मैं एक वायर से जम्पर करूँगा, और ये जो ट्रांजिस्टर है तीन टांगों वाला, तो इसके दाएं साइड में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सोल्डिंग करना है और कहाँ से कहाँ, तो वो आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सोल्डिंग करना है। तो सबसे पहले आपको छोटी सी जो जम्पर वायर होता है, उस जम्पर वायर से आपको जम्पर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट डाल लीजिएगा एलसीडी में, और उसके बाद आपको दो नंबर पॉइंट में जम्पर करना है। तो मैं आपको जम्पर करके दिखा रहा हूँ। चलिए, ये देखिए, मैंने दो नंबर में जम्पर कर दिए, ठीक है दोस्तों। आप इस तरह से आप भी जम्पर कर लीजिएगा दो नंबर में। और देखिए, ये देखिए, दो नंबर में मैंने बहुत ईजी तरीके से जम्पर कर लिए हैं। मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, दो नंबर में जम्पर का कनेक्शन मैंने कर दिया, ठीक है। तो और उसके बाद उसका जो वायर है, वायर के हिस्सा, वायर को उतना ही लंबा काटिए कि जितना लंबा ज़रूरत है। तो ये देखिए, मैंने काट लिया है ऑलरेडी पहले से। तो ये देखिए, मैं इस छेद से पीछे तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि पीछे तरफ मेरा ट्रांजिस्टर है लाइट सेक्शन में। वो ट्रांजिस्टर में मुझे एक जम्पर देना है बस। ये जम्पर देने से अभी तो फिलहाल ऑन नहीं होगा। उसके बाद और एक ट्रिक्स है, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो पहले मैं इसे जम्पर को पूरा कर लेता हूँ, और पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को बूस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ जम्पर कर दूँगा इस साइड में, ठीक है, ट्रांजिस्टर के इस साइड में। तो मैं आपको सोल्डिंग करने के बाद फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल सोल्डिंग कर लेता हूँ, इससे अच्छा होगा आपको दिखाने के लिए। तो फिलहाल मैंने इसको दो नंबर के पॉइंट को ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट में मैंने जोड़ दिया। ये नोकिया C101 नोकिया के कई मॉडल में 12 पिन वाला जो एलसीडी होता है उनमें से ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने सोल्डिंग कर लिए हैं। अब मैं आपको ये अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर मैंने सोल्डिंग कर लिया हूँ, ठीक है, ये ई वाला में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको क्वालिटी कमज़ोर आ रहा है तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, और उसके बाद अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। और ये देखिए, ये अब फिर मैं करने वाला हूँ तीन और चार को शॉर्ट, क्योंकि तीन नंबर को ग्राउंड चाहिए। तो चार नंबर ग्राउंड ऑलरेडी होता है, तो तीन और चार को मैं शॉर्ट कर दूँगा तो तीन नंबर भी ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखिए, मैंने शॉर्ट कर ली। इस तरह का तीन और चार को भी एलसीडी के जो पिन है तीन और चार, उसमें भी शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने शॉर्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैंने तीन और चार को शॉर्ट कर लिए, और दो नंबर से जम्पर, बस ये दो ट्रिक कर लीजिए और आपका एलसीडी बन जाएगा, 100% लाइट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको अभी फिर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ट्रांजिस्टर की इस साइड में मैंने जम्पर वायर दो नंबर से ला के यहाँ डाले हैं, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से डालना है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं, और लाइट आ रहा है कि नहीं बैक लाइट में, ठीक है। एलसीडी की जो लाइट है वो आ रहा है कि नहीं, देखिए आप देख पाएंगे। ये देखिए, मैं बूट ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए लाइट आ गया और नोकिया लिखा भी आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब होते ही बगल बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।